फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स कंपनी के बारे में, जिसके बारे में मार्केट में बहुत ही बड़ी न्यूज आई है। तो उस न्यूज के चलते हुए मार्केट में इसका शेयर, दैट इज हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर, जो कि एक आईटी कंपनी है, उसका शेयर ऑलमोस्ट 18-19% के आसपास भाग चुका है। तो अब आपको इसको देखते हुए या फिर इस शेयर के अंदर जो आपको सर्च देखने को मिला है, इसको देखते हुए आपको क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में हम बातचीत करने वाले ये वीडियो में। सो वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को, इट इज डेली स्टॉक, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर दिन एक अच्छी से अच्छी कंपनी का शेयर एनालिसिस ला सके। उसके साथ साथ में मार्केट रिलेटेड कोई भी कंपनी का एनालिसिस होगा या फिर कोई भी ब्रेकिंग न्यूज होगी, तो उसका भी हम आपके सामने जरूर ब्रेक थ्रू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। Happiest Minds is in focus after Nomura initiates coverage on the stock with a buy rating and target of ₹480 per share। Nomura जो कि एक बहुत बड़ी एजेंसी है, जो कि फाइनेंशियल कंपनी है, जो कि जापान बेस्ड कंपनी है, although ये बहुत सारी कंपनी को ऐसे प्राइस का एक टारगेट देते हैं कि इसका इतना प्राइस हो सकता है, जैसे कि मदर सुमी को भी इसने टारगेट दिया लगभग ₹248 के आसपास, और उसके कारण जो स्टॉक होता है उसमें खतरनाक, मतलब वो एक मोमेंटम आ जाता है कि इसके बारे में कि इन फ्यूचर इसका शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है। बट आज पहली बार ऐसा हुआ कि इसने आज टारगेट दिया, और आज का आज ही इसका जो टारगेट प्राइस है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर बोलूं टू बी क्लियर, वो अचीव हो ही गया है। बिकॉज इस शेयर में भारी भयंकर की वॉल्यूम बढ़ी और भारी भयंकर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी हुआ, तो उसके कारण इस शेयर का जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा भाग चुका है। हालांकि अगर अभी भी अगर हम इस शेयर को कंपेयर करें उसके सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से, तो वो है सेक्टर का P/31.33 और इस शेयर का पी रेशियो कितना है, सिर्फ 20.73। ऑल तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो तो आप अभी भी इस कंपनी के अंदर ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बिकॉज कंपनी अच्छी है, आईटी कंपनी है और अभी अभी जस्ट आई है मार्केट में, बट कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। दैट इज सेक्टर के अगर पीबी से भी देखें तो सेक्टर का पीबी निकल कर आता है 7.73 और इस शेयर का पीबी रेशियो कितना है, 6.67। हालांकि अगर आप इस शेयर ने डिविडेंड नहीं दिया, बट फिर भी सेक्टर का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 1.04%, जो इस शेयर का है नहीं के बराबर। स्मॉल कैप कंपनी है, आईटी कंपनी है, जिसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 5924 करोड़ रुपीज़ और स्टॉक रैंकिंग है इसकी 356। हालांकि अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर भी अगर हम नजर डालते हैं तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा अच्छे सालों से बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी किया। 2017 से लेकर 20 तक अगर हम 19-20 के फाइनेंशियल्स को कंपेयर करते हैं, दैट इज 2019 में जब कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था 601.81 करोड़ रुपीज़, 2020 में वो बढ़कर हो चुका है 714.23 करोड़ रुपीज़, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है कोई भी कंपनी के लिए इस तरह का टारगेट रेवेन्यू अचीव करने के लिए। 2019 में जब कंपनी का रेवेन्यू था 14.21 करोड़ रुपीज़, जो कि 2020 में ऑलमोस्ट 6.5 टाइम्स बढ़कर हो चुका था 71.7 करोड़ रुपीज़, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि इस तरह का जो टर्न अराउंड होता है कोई भी आईटी बेस्ड कंपनी के बारे में तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव इंडिकेशन होता है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। हालांकि ये शेयर अभी जब ये वीडियो बन रही तब ये शेयर ऑलमोस्ट 474.1 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट 70% का अपवर्ड मूवमेंट आ चुका है, और इसने जो टारगेट जो नोमुरा जो एजेंसी है उसने जो टारगेट दिया वो भी लगभग अचीव कर ही लिया। उसने 480 पर रुपीज़ का जो टारगेट दिया था वो 474 रुपीज़ के आसपास, तो ये शेयर अभी भी मार्केट में ट्रेड हो रहा है। 70 रुपीज़ का अपवर्ड मूवमेंट एक ही दिन में, एक न्यूज़ के चलते हुए इतना अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट आना बहुत ही अच्छी बात होती है। बिकॉज मेरे हिसाब से अगर इस शेयर के अंदर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। ऑल्दो आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं और आपको अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है कि आपको इस आईटी बेस्ड फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। सो होप करता हूँ कि आपको हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के बारे में जो भी मार्केट में जो न्यूज़ आई है उसका जो एनालिसिस हमने अभी जो किया वो आपको अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड या फिर इस कंटेंट या फिर कंपनी रिलेटेड कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन भी हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो थैंक यू।